हो रहे होते हैं। ऐसी सूरत हाल में बेहतर तो ये है कि अगर कुछ ही दिन ऊपर हुए हैं तो ज़्यादा पैनिक ना किया जाए, इंतज़ार किया जाए और एक हफ्ते के बाद दोबारा से आप अपना टेस्ट रिपीट कर सकते हैं। अगर वो स्टिल नेगेटिव है और आप में प्रेगनेंसी की कोई अलामत भी नहीं है तो बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर साइमा ज़की है। मैं पिछले 22 साल से मेडिसिन के शोबे से वाबस्ता हूँ। मैं जिन्ना हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एज कंसल्टेंट काम कर रही हूँ। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आपके पीरियड्स तो मिस हो गए हैं लेकिन आपका टेस्ट नेगेटिव है, यानी आपने आपके डेज तो ऊपर हो चुके हैं लेकिन आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव रिपोर्ट शो नहीं कर रहा। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि ये जो हम घर पे टेस्ट कर रहे होते हैं इसकी क्या वैल्यू है, तो इसकी सेंसिटिविटी काफ़ी हाई है, यानी अगर ये नेगेटिव शो कर रहा है तो ज़्यादा चांस है कि नेगेटिव ही होगा और अगर ये पॉजिटिव शो कर रहा है तो ज़्यादा चांस है पॉजिटिव होगा। हाँ, कुछ सूरत हाल में अगर आपको रिपोर्ट क्लियर नहीं हो रही है, जैसे कि दोनों लाइन्स नेगेटिव आ रही हैं, तो फिर एक ब्लड टेस्ट की सहूलत मौजूद होती है जिसे बीटा HCG कहा जाता है, वो ब्लड में करवाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे उस सूरत हाल के ऊपर कि अगर आपका डेज तो ऊपर हो गए हैं लेकिन आप रिपीटेडली टेस्ट कर रहे हैं और वो नेगेटिव हैं तो इसकी क्या वजूहत हो सकती है। दो सूरत हाल हो सकती हैं। एक तो हो सकता है कि आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हों, ऑलरेडी किसी ट्रीटमेंट पर हों, किसी डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन ले रहे हों, तो उस सूरत हाल में जब आप ट्राई कर रहे होते हैं, एक तो उस वक्त स्ट्रेस लेवल बड़ा हाई होता है पेशेंट का, और इसमें जहाँ पे जब आप ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं और आप डॉक्टर को दिखा रहे होते हैं, आपका जो स्ट्रेस लेवल है ना, समटाइम्स स्ट्रेस हाई स्ट्रेस लेवल की वजह से भी पीरियड्स डिले हो जाते हैं। सो स्ट्रेस का इसमें बहुत बड़ा रोल है। दूसरा ये होता है कि बाज़ दफ़ा एग उस तरह से रिलीज़ ही नहीं होता जिस तरह से डॉक्टर ने प्लान किया होता है, आपकी कोई दवाई मिस हो जाती है, कोई डोज मिस हो जाती है और उस तरह से ओवुलेशन नहीं हो रही होती है या ओवुलेशन डिले हो जाती है, तो उस सूरत हाल में भी पीरियड्स डिले होने का चांस होता है। अगर आपकी माहौल में बहुत कोई चेंज आई है, आपका वेट बहुत ज़्यादा कम या एकदम बहुत ज़्यादा ज़्यादा हुआ है, उस सूरत हाल में भी विदाउट प्रेगनेंसी पीरियड डिले हो जाते हैं। कुछ लोगों में ऑलरेडी हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है, अब चाहे वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं या प्रेगनेंसी के लिए नहीं ट्राई कर रहे हैं, उन लोगों में भी पीरियड्स जो हैं वो टाइम पर नहीं आ रहे होते हैं, डिलेड हो जाते हैं। रीज़न सेम होता है, रीज़न वही होता है कि जो ओवुलेशन होती है ना वो अपने टाइम पर नहीं हो रही होती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग पीरियड्स भी स्टार्ट नहीं हो रहे होते हैं। ऐसी सूरत हाल में बेहतर तो ये है कि अगर कुछ ही दिन ऊपर हुए हैं तो ज़्यादा पैनिक ना किया जाए, इंतज़ार किया जाए और एक हफ़्ते के बाद दोबारा से आप अपना टेस्ट रिपीट कर सकते हैं। अगर वो स्टिल नेगेटिव है और आप में प्रेगनेंसी की कोई अलामत भी नहीं है तो बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। ये ज़्यादा प्रॉब्लम हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से आ सकती है, इसमें एक रीज़न थायराइड भी हो सकता है, जैसे कि थायराइड की कमी या ज़्यादती, जो थायराइड हार्मोन की कमी या ज़्यादती होती है, समटाइम्स उसकी वजह से भी पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जब आप डॉक्टर से रुजू करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो आपको इस आपकी सूरत हाल के मुताबिक ट्रीटमेंट एडवाइस कर सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में चूँकि ये हार्मोनल इंबैलेंस होता है तो वो आपको सिंपली कोई प्रोजेस्ट्रॉन या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको पीरियड्स को मतलब 4 से 5 दिन आप लें और आपके पीरियड्स उसके बाद आ जाते हैं और आप अपने नॉर्मल साइकिल में दोबारा एंटर हो जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कोई ऐसी ट्रीटमेंट लेना शुरू करें और आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें, तो उस दिन जिस दिन आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है उस दिन प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर कर लें, रिपीट कर लें, ताकि प्रेगनेंसी का जो है वो शुबा वो निकल जाए। अहम बात यह है कि इसके लिए आपको परेशान होने की, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं भी जा सकते तो भी परेशान मत होइए, आप वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। अगर प्रेगनेंसी नहीं है, ज़्यादातर चांसेस के अंदर, ज़्यादातर केसेस के अंदर खुद ब खुद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अहम बात इसमें यह है कि इस सूरत हाल में आपको परेशानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अमूमन इसमें कोई बड़ी वजह नहीं निकलती है, ऑलरेडी आपके टेस्ट भी हुए होते हैं। समटाइम्स जैसे मैंने कहा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, समटाइम्स स्ट्रेस होता है, जब आप
इस फेज से निकलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम खुद ब खुद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, या जो आपको मैंने जैसे कहा कि वो डॉक्टर आपको कोई प्रोजेस्ट्रॉन्स या हार्मोन्स ऐसे दे देते हैं जो 4 से 5 दिन इस्तेमाल करने के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। सो इस सूरत हाल में आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्त अगर आप प्रेगनेंसी सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हमेशा ट्रीटमेंट लेने से पहले आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करना है। अमूमन जो ट्रीटमेंट दिए जाते हैं अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें वो बेबी के लिए हार्मफुल भी नहीं होते हैं। सो अगर आप लेना चाहते हैं ट्रीटमेंट जल्दी भी लेना चाहते हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। किसी भी मशवरे की सूरत में आप हमसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।